तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, विशरंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। शिल्पा मैम, सबसे पहले होली के बाद होली का जो है पहला परफॉर्मेंस है आपका, बेशरम रंग इतना बड़ा हिट हो गया, सबसे पहले बेशरम रंग की मेमोरीज के बारे में बताइए कि क्या आपको लगा था कि इतना बड़ा हिट होगा गाना, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताए आप। एक्चुअली हमने काफ़ी, जब हम गाने के ऊपर काम कर रहे थे, हमने काफ़ी मज़े किए, काफ़ी इट वॉज अ फन रिकॉर्डिंग टू स्टार्ट विद, क्योंकि जब हम लोग गाना बनाते हैं, हम लोग सबसे पहला हमारी एफर्ट ये होती है कि गाना अच्छा बने, उसके बाद वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो सिर्फ आपके हाथ में हो जाता है, क्योंकि आप उसको बड़ा करते हो, वी आर वॉट एवर बिकॉज ऑफ यू गाइज। अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो हमारा, हमारे काम का जो भी एफर्ट डालते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो वी हैड अ ग्रेट टाइम, एंड अभी भी मुझे याद है गाने के रिलीज़ के पहले वी वर ऑल वेरी नर्वस, पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, बट वी ऑल are very very grateful. It's a what do you call it, it's such a miracle that all of you guys have given us so much love, itna pyar har gaane ko aur movie ko bhi itna zyada, so we are very very happy and very grateful ki aapne sab itna pyar diya. शाहरुख सर ने और दीपिका ने गाने में परफॉर्म किया, आपको एज अ सिंगर क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, अगर आपने कोई कमेंट्स पढ़े हो, अगर ऐसा कोई कमेंट्स मेंशन करना चाहे, या फिर अगर कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में फ्रेंड्स और फैमिली ने अगर कुछ दिए हो। I think the biggest compliment was Shahrukh sir when we met him, क्योंकि फिल्म रिलीज़ हो गई थी और शाम को हमारी स्क्रीनिंग थी, और वो इतने खुश थे कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, एंड बहुत प्यार से उन्होंने हमको वेलकम किया, मी एज वेल एज माई हस्बैंड रितेश, एंड बहुत दिल से दुआ दी, बेटा खुश रहो, साथ में अच्छे से रहो। I think that's such a big compliment कि ऑफकोर्स हम काम करते हैं, बट टू हैव अ हैप्पी लाइफ यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड फैमिली to be together, and unko mil karke hamesha ye lagta hai ki life is not just about work, yes, it's always about everything together. Agar aap acha kaam kar rahe ho aur family nahi hai saath mein share karne ke liye, wo khushi yaad hi ho jati hai. While recording the song, yes, did he say anything, Deepika ne kuch kaha ki Deepika and Shahrukh sir, both of them, I think they are very very you know, बहुत फ्रीडम देते हैं काम करने के लिए, एंड सिद्धार्थ आनंद इज द डायरेक्टर, एंड उनकी विजन थी गाने को इस तरह हम यू नो रिकॉर्ड करेंगे, इसको शूट करेंगे, सो दैट वे आई थिंक शाहरुख सर एंड दीपिका मैम, बोथ ऑफ देम, दे हैड सो मच फेथ ऑन ऑल ऑफ अस। इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, गाना हिट होने के बाद पहला कॉन्सर्ट है, इस होली फेस्टिवल जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे देश में, आपके लिए इस साल की होली कितनी स्पेशल होगी, और अगर इस इवेंट के बाद? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, वी हैव ऑल ऑफ अस, हम लोग सब यहाँ खड़े हैं, कोविड 3 साल तक था, हम लोग अभी यहाँ हैं, आई थिंक वी शुड जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल कि हम सब हैं यहाँ पर, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग होली लाइक हम हमेशा से करते थे, yes. और ऑफकोर्स ये मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ होली मनाइए, यू नो ऑल्सो बी सेफ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स, डोंट मेक एनीबॉडी फील अनकंफर्टेबल, अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता है, गिव देम दैट स्पेस, और कोशिश ये करें कि होली खुशी से मनाए, बहुत अच्छे खाने से मनाए, मिठाई से, गुजिया से, लड्डू से, और म्यूजिक के साथ मनाए, तो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग हियर. We are bringing the music for you guys, and I really hope सब आएंगे और बहुत हम enjoy करेंगे और साथ में गाना गाएंगे. आपके इधर से क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है कॉन्सर्ट को लेके, और बेशरम रंग कितनी बार प्ले होगा इस कॉन्सर्ट में? 10 बार भी बोलेंगे हम 10 बार बजाएंगे. हम बोलेंगे कि दो घंटे वही बजाइए, हम वही बजाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल बी मोर देन हैप्पी. बॉम्बे का सबसे अच्छा होली होगा. राहुल भाई, आप अगर इस कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात करना चाहे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है इस साल,
शिल्पा जी ऑन बोर्ड आ चुकी है, कितने एक्साइटेड है आप, और थोड़ा सा अगर इवेंट के बारे में बताएं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने सबसे पहले बोला था हु टू टेक, आई सेड एक शिल्पा राव, सो इट्स माय थिंग यू नो, इट इज गोइंग टू बी अ हिट, तो वो कॉन्फिडेंस आज भी है मेरे पास और मुझे पता है कि ये सक्सेसफुल होगा, जैसे ये फिल्म सक्सेसफुल हुआ है हमारा कॉन्सर्ट भी सक्सेसफुल होगा। और आप लोग सब आना है ना 7th मार्च प्लीज कम गाइस, वी आर इनवाइटिंग यू, प्लीज कम यस एंड प्लीज कम एंड डांस विद अस। और इसमें एक और बात है कि इस इवेंट के जरिए हम सीरिया और जो टर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसमें उनके विक्टिम्स के लिए वहां पर भी हम इस रेवेन्यू से कुछ शेयर डोनेट करेंगे, क्योंकि और पिंक ड्रॉप हमेशा से ये करता आया है, पिंक ड्रॉप एंटरटेनमेंट ने कोविड में भी काफी हेल्प की है, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो इसमें भी हम इनके साथ मिलकर ये प्लान किए हैं कि जो भी इसमें रेवेन्यू आए उसके जरिए हम टर्की और सीरिया वहां पे, वो भी इंसान है, वो लोग बहुत तकलीफ में हैं। राइट। तो अगर हम सोच अच्छा रख के कोई काम करें तो सक्सेस मिलता है, पहला बात तो ये, और दूसरा बात सबसे पहला चीज़ होता है ह्यूमैनिटी, तो ये एक ह्यूमैनिटी का सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए कि अगर कुछ कर सके, अगर हमारे इंसान कहीं भी तकलीफ में है तो हमसे हेल्प कर सके, भले हम वहाँ नहीं है, हम इंडिया में हैं तो इंडिया का भी नाम, यहाँ से तो हम जो भी हमसे हो सकता है हम यहाँ से कर सकते हैं। और जब शिल्पा मैम को कहा गया तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आप करिए, मैं आपके साथ में हूँ। और राहुल जी कितना फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे शिल्पा जी ने कहा कि कोविड फाइनली ओवर हो चुका है, अब सब लोग बाहर आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, पूरा ग्राउंड पैक रहेगा, तो मुझे लगता 20,000 पीपल मिनिमम, ग्राउंड की कैपेसिटी है 35,000 क्या 35 to 40,000, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भर जाए जगह, है ना, बिकॉज शी इज अ ग्रेट परफॉर्मर, सिर्फ बेशर अमरंग नहीं, इनके पहले और भी जो गाने हैं, जो सभी गाने हिट हैं, उनके फिल्म फेयर अवार्ड मिला है उनको, वो ग्रैमी के लिए नॉमिनी है और रह चुकी हैं, उनके काफी गाने आज से नहीं, और सब बड़े स्टार के साथ इनके गाने, यू नो, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आया और गया, कोई पॉप सिंगर आया और दो तीन एल्बम निकाला और वो हिट बन गया, शी हैज सॉन्ग्स व्हिच आर रियली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यस, बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, और अभी तक इनके जितने भी शो है सभी सुपर हिट हुए हैं, तो ये भी उससे सुपर हिट होगा, और बॉम्बे इज वेटिंग टू सी शिल्पा राव परफॉर्मिंग लाइव कॉन्सर्ट, जगह जगह से होली में लोग आते हैं, सूरत से आते हैं, दमन से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू क्लोज सेलिंग आवर टिकट्स मच बिफोर द इवेंट स्टार्ट्स, प्लीज कम एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स, ब्रिंग योर फैमिली, एंड 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 खुशी ये बात है, इस बात की है कि मैं बिहार से हूँ एंड होली हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता था वहाँ पर, और मुझे वो मिस नहीं होना चाहिए, तो आप लोग आ जाना, ऐसा फील कराओ कि हाँ मैं घर, एक्चुअली मैं भी बिहार से झारखंड से हूँ, और 2011 से जब मैंने शुरू किया था ये होली का इवेंट शुरू किया था, तब भी मैं यही सोच के शुरू किया था कि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे, तब बिहार था, अब झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, तो दैट वॉज द रीजन कि हम यहाँ पे वैसा होली खेलना चाहते हैं, कलर ब्लास्ट होली, कलर ब्लास्ट का नाम इसीलिए रखा गया था कि वो ब्लास्टिंग हम करते हैं, जो कलर के ब्लास्टिंग्स होते हैं, गेट द फील ऑफ दैट कलर्स इन द एम्बियंस इन द एटमोसफियर, तो वो पूरा माहौल कलर का होगा, इसीलिए हम पिछले 6 साल से ये होली कलर ब्लास्ट करते हैं, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट वन, एज शी सेड कि कोरोना के बाद लोग नहीं निकले हैं बाहर खेलने होली, तो इस बार ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा अभी, हाँ इतना बड़ा फर्स्ट होगा, आफ्टर कोविड ये फर्स्ट होगा। यस यस, सलोनी जी आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी दैट वुमेन पावर आउट हियर, अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इवन आवर डीजे इज अ वुमन, आई एम आल्सो अ लेडी, शी इज ऑब्वियसली द स्टार ऑफ द शो, एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल बिकॉज आई थिंक 8th of March इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हम उससे पहले एक दिन है, सो वी आर द प्री वुमेन्स डे सेलिब्रेशन एज वेल एज होली, तो आप लोग सबको आना है, बिकॉज शी सेज होली कलर ब्लास्ट है, आपको आना है, इन्जॉय करना है, हम सबको मिलकर इन्जॉय करना है, सो 7th of March आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी गाइज एट नेस्को ग्राउंड्स, प्लीज कम, वी आर गोइंग टू गो बेशरम रंग, यस वी आर गोइंग टू गो बेशरम रंग विद शिल्पा राव। एक सवाल है फ्रॉम बीइंग कंटिन्यू टू कंट्रोवर्सी एंड आफ्टर गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस, राइट, एस 1,000 crore वर्ल्ड वाइड एंड 500 crore नेट इन हिंदी वर्जन, राइट, दिस इज अ बिग थिंग, राइट, करेक्ट, तो कंट्रोवर्सी से ये जो लंबा सफर है, इतनी बड़ी हिट
part of it, both of the songs got millions of views on different social media. Right. How you feel and what your reaction on that? I'll tell you something. Chahe Pathaan ho, ya War ho, ya Bang Doom. Bang, Doom. Doom. बचना है सीनो अनवर माय फर्स्ट फिल्म अनवर हमेशा हमेशा हमारा जब भी हम काम करते हैं कुछ गाना बनाते हैं कुछ नई फिल्म बनाते हैं हमारा एफर्ट यही होता है आप लोग वी ऑलवेज मेक म्यूजिक वी ऑलवेज मेक फिल्म्स फॉर यू पीपल वी लाइक आई सेड वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू अगर आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे सो हमारा फर्स्ट मोटिव आपके लिए होता है सो जैसे भी गाना आया चाहे कुछ भी हो आर आर हमारी नज़र गुलजार पे वही होती कि आप क्राउड रिएक्शन क्या है और जब फिल्म आई तो फिल्म का रिएक्शन क्या होगा इसलिए हमने किसी से कभी कुछ कहा नहीं हमने किसी को फोर्स नहीं किया हमने मोटिवेट भी नहीं किया हम चाहते थे कि लोग अपने मन से प्यार से ये गाने पसंद करें और फिल्म पसंद करें एंड आपने बहुत दिल खोल के प्यार दिया है इसका तो मतलब हमको अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा तो एक ही मैं कहूंगी कि आई थिंक गॉड हैज बीन ग्रेट गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड यू गाइस हैव बीन सो काइंड थैंक यू सो मच फॉर अपने दिल में जगह देने के लिए दैट्स ऑल वन क्लब में भी एंटर कर चुकी है पठान नहीं नहीं वो वन